गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग आवर लेसन 1 फ्रॉम द सब्जेक्ट ईवीएस एंड दिस इज फॉर क्लास 5th इंग्लिश मीडियम. लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1, राइट ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट, एनिमल ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंस. जानवरों में भी डिफरेंट सेंस करने की अनुभूति होती है. दिस इज ट्रू. मॉस्किटोज कैन नॉट फाइंड यू बाय द स्मेल और योर बॉडी. आपकी खुशबू से और आपके शरीर से वो आपको फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो ये तो गलत बात है क्योंकि वो कर सकते हैं. थर्ड, द आर्न टू कम सम मिनट्स. जो चीटियां कुछ ही पलों में बहुत सारी हो जाती है. दिस इज ऑल्सो ट्रू. क्रो पैरट आर द सम बर्ड हैव आईज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड. उनकी जो आंखें होती है अपने सिर के दोनों तरफ हो सकती है. दिस इज ऑल्सो ट्रू. रैबिट काउ आर नॉट बिगर ईयर्स. रैबिट के और गाय के जो ईयर्स होते हैं, जो कान होते बड़े नहीं होते, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि बड़े कान होते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट, काउ हाउ मेनी आवर्स स्लीप. कितने घंटे सोती है गाय? 4 आवर्स सोती है. सेकेंड, हाउ मेनी लिव ईयर्स ऑफ स्लॉथ. स्लॉथ कितने दिनों तक जी सकता है? स्लॉथ रह सकता है 40 सालों तक रह सकता है. स्लॉथ भी एक जानवर होता है, काफी आलसी होता है जो. नाउ विच नेशनल पार्क इन एमपी, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क एमपी में है? तो कौन सा है? कान्हा नेशनल. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप. कैसे चीटी को पता चला कि बाकी की चीटियां मेरे ग्रुप की नहीं है? आंसर, एनिमल ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, हैज द एबिलिटी टू हियर एंड फील. बिकॉज ऑफ दीज एबिलिटी आंट्स केम टू नो दैट फ्रॉम आंट्स आर द सेकेंड ग्रुप. जानवरों में भी फील करने की क्षमता होती है और वो खुशबू से भी समझ सकती है, इसी प्रकार वो चीटी समझी कि ये चीटियां मेरे ग्रुप की तो नहीं है. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड द गार्ड आंट रिकग्नाइज दीज आंट. गार्ड आंट ने कैसे पहचाना इस नई चीटी को? आंसर, द सफरिंग पावर ऑफ ऑल एनिमल्स इज वेरी फास्ट. द गार्ड आंट ऑल्सो स्निफ्ड एंड रिकग्नाइज हिज पार्टनर. इनकी जो सूंघने की क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है. स्निफिंग यानी होता है सूंघना, और सूंघ करके उसने ये पता लगाया कि ये कोई और है. क्वेश्चन नंबर 3, डू यू एवर थिंक ऑफ मॉस्किटोज, हाउ वुड दे नो वेयर यू आर. मच्छर को कैसे पता चलता है आप कहाँ है? आंसर, मॉस्किटोज कैन फाइंड यू द स्मेल ऑफ योर बॉडी एंड सोड ऑफ योर फीट एंड हीट ऑफ योर बॉडी. आपके शरीर की गर्माहट, आपके शरीर की स्मेल और आपके पैरों का जो सोल होता है, इन सब की वो पहचान कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वेज टू ह्यूमन बीइंग मेक्स यूज ऑफ दीज स्पेशल सेंसेस ऑफ द स्मेल ऑफ डॉग्स. ये जो कुत्तों की सूंघने की क्षमता होती है उसका इंसान कैसे उपयोग करते हैं? आंसर, यूजिंग द पावर ऑफ डॉग स्मेल द डॉग्स फाइंड द क्रिमिनल्स बाय द पुलिस टू फाइंड द बॉम्ब एक्सप्लोजिव. बॉम्ब डिटेक्ट करने में काम आता है एंड क्रिमिनल्स को पकड़ने भी काम आता है. क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम ऑफ लिविंग whose smell you like and who you do not. किसकी आपको पसंद है स्मेल और किसकी नहीं? I like the smell flower, perfume, incense stick and food. And I do not like the smell of garbage, alcohol, urine and phenyl. Question number 6, write the names of 5 animals whose ears can be seen. किन के कान हम देख सकते हैं? Dog, cat, cow, house, buffalo. Can you understand the sounds of some animal? Which animals? Answer, yes. Some animals like dog, cow, ox, horse, parrot. Question number 8. Write below each picture for how many hours a day that animal sleep. Animals are many hours. हर जानवर अलग अलग तरीके से सोता है, अलग अलग टाइम तक सोता है. जो काऊ होती है वो 4 आवर्स के लिए सोती है. जो पाइथन होता है वो 16-18 आवर्स के लिए सोता है. यहाँ पे जो एक अगर आप सर्कल को डार्क करेंगे मतलब 2 आवर्स, तो अगर 2 कर दिए तो 4 आवर्स. यहाँ पे 9 कर दिए पाइथन के लिए तो 18 आवर्स. जिराफ के लिए 1 किया दैट मीन्स 2 आवर्स एंड कैट के लिए 6 किए दैट मीन्स 12 आवर्स. विद दिस वी आर डन विद आवर चैप्टर 1.